Hey guys, good evening to everyone. आई होप आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है? तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए. और आज हम कवर करने वाले हैं 28 नवंबर टू 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स. तो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे पास जितने भी हम सब यहाँ रिवाइज करेंगे. तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं. सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए एंड वेलकम टू एम्बिशियस बाबा. सबसे पहले कैटेगरी है हमारी नेशनल न्यूज़ की, यानी कि राष्ट्रीय समाचार की. राष्ट्रीय समाचार में हमारी पहली न्यूज़ क्या है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. इनमें से किस राज्य में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है? मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान. तो अभी हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को इनमें से किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है ये आपको मुझे बताना है. फटाफट इसका आंसर आप सभी मुझे कर दीजिए. और क्या है यहाँ करेक्ट आंसर, ठीक है? और यहाँ करेक्ट आंसर क्या है गाइस? यहाँ करेक्ट आंसर है मेघालय. तो मेघालय में अभी रिसेंटली चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया. इसका बेसिकली इनॉग्रेशन मेघालय के CM और जापान के एम्बेसडर टू इंडिया के द्वारा किया गया था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेघालय. ठीक. विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च ऊर्जा साक्षरता अभियान एंड 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 1500 मेगावाट कैपेसिटी इन सजापुर, अगर और नीमच. अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऊर्जा साक्षरता अभियान और सजापुर, आगर और नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता की 3 सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? गुड इवनिंग गाइस, ठीक है? सिंपल सवाल है, ऊर्जा साक्षरता अभियान. अगर आपको ये तीनों जगह पता होंगे तो आप वैसे ही आंसर कर पाएंगे. एंड हियर करेक्ट आंसर इज व्हाट? हियर करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश यानी शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा अभी इसको लॉन्च किया गया है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ओके. नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण योजना हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर. स्टिपेंडरी सपोर्ट ऑफ हाउ मच हैज बीन अप्रूव फॉर द पीरियड ऑफ 21-22 टू 25-26. यानी अभी हाल ही में आपको मुझे ये बताना है जो स्टिपेंस मिलता है NATS में वो 2021-22 से 25-26 के लिए कितना अप्रूव किया गया है, उसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, ठीक है? तो चलिए फटाफट उसका आंसर कर दीजिए. 1125 करोड़, 2006 करोड़, 3054 करोड़, 4145 करोड़ और 5000 करोड़, ठीक है? फटाफट आंसर करिए, क्या है करेक्ट आंसर? एंड हेयर करेक्ट आंसर इज व्हाट? हेयर करेक्ट आंसर इज 3054 करोड़. तो 3054 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं NATS के लिए, जिसको 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. ओके आदि, चलो. द फर्स्ट एवर अहरबल फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट और UT टू प्रमोट टूरिज्म. अभी हाल ही में अहरबल महोत्सव का आयोजन इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार किया गया है? पर्पस है पर्यटन को बढ़ावा देना. हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और लद्दाख, ठीक है? तो देखिए, अहरबल फेस्टिवल जो है अभी इसको रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है. कहाँ इसको रिसेंटली किया गया है? जम्मू कश्मीर में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड द पर्पस इज टू प्रमोट टूरिज्म. विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विसेज एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो रोपवे को एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने वाला इंडिया का पहला शहर कौन सा बना है? इंदौर, वाराणसी, रांची, लखनऊ और पटना, ठीक है? तो रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में अभी स्टार्ट किया गया है. ऐसा बहुत ही रेयर होता है और इंडिया में भी स्टार्ट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि वाराणसी में. सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज पियर अक्रॉस रिवर इलिजी नियर नोनी वैली एट पियर हाइट ऑफ 141 मीटर इन विच स्टेट और यूटी.
अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा 141 मीटर की ऊंचाई पर नोनी घाटी के पास इजाई नदी के पार जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है वो किस राज्य में? उत्तराखंड, लद्दाख, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, इसकी आपको 141 मीटर हाइट याद रखनी है, आपको रिवर याद रखना है एंड द स्टेट इज मणिपुर, विच इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। ओके, यस। विच स्टेट टूरिज्म हैज लॉन्च द स्ट्रीट प्रोजेक्ट टू प्रमोट एंड टेक टूरिज्म डीप इनटू द इंटीरियर एंड रूरल हिंटरलैंड। तो सिंपल सा सवाल है मेरा, स्ट्रीट प्रोजेक्ट अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका पर्पस है टूरिज्म को उस राज्य के इंटीरियर यानी आंतरिक और ग्रामीण इलाकों तक लेकर जाना? कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड केरला। और इसको एब्सोल्यूटली करेक्ट, इसको भी स्टार्ट किया गया है केरला के द्वारा। तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट टूरिज्म को बिल्कुल इंटीरियर तक लेकर जाने के लिए केरला के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी पी विजयन साहब के द्वारा किया गया है। 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 विल बी हेल्ड इन, यानी 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 इनमें से कहाँ आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, कोचीन, पणजी और चेन्नई। ठीक है, तो 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन वेयर? पणजी गोवा, एब्सोल्यूटली करेक्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज पणजी गोवा। गुड इवनिंग गाइस। ओके, विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च द पुलिस मोबाइल ऐप नेम कॉल योर कॉप फॉर सिटीजन? कॉल योर कॉप इस नाम का आपको मुझे ये बताना है मोबाइल एप्लीकेशन इनमें से किस राज्य की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? असम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, उत्तराखंड एंड मणिपुर। आपको पता होगा नागालैंड में अभी रिसेंटली थोड़ा आर्मी और थोड़ा मतलब इंसिडेंट हुआ, जहाँ क्या हुआ कि कई सारे लोकल्स, लगभग 12-13 लोकल्स लोग मारे गए हैं और ये जो ऐप है ये वहीं की है, कॉल योर कॉप। सो द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, काफ़ी सारा सवाल आपको एक ही राज्य से देखने के लिए मिल रहा है। हॉर्नबिल महोत्सव इनमें से किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया है? एंड हियर करेक्ट आंसर इज अगेन नागालैंड। तो आपको पता ही है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। ओके, ध्यान से सुनिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फॉर 5 years टिल 2025-26, विच इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। यानी क्या बोला जा रहा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 25-26 तक 5 साल के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना SIP को जारी रखने की मंजूरी दी है। ये जो SIP है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? ठीक है, सिंपल सवाल है। और ये जो एजेंसी है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के अंडर ही आता है और इसका नाम है DPIIT, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में बहुत आते हैं और आपको इसको बहुत क्लियरली अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ हमारा नेशनल न्यूज खत्म होती है, आते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025, यानी 2025 तक इनमें से किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बन जाएगा? इंडिया, चाइना, सिंगापुर, म्यांमार और साउथ कोरिया। ठीक है, नहीं नॉर्थ कोरिया, नहीं साउथ कोरिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर फॉर वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025। ओके, इंडिया हैज जॉइंड G20 ट्रोइका विद इंडोनेशिया एंड इटली। इंडिया विल होस्ट द G20 लीडर समिट इन विच ईयर? तो मैंने आपको बताया था जो ट्रोइका था, एक वो देश जहां अभी हुआ है, एक वो देश जहां होने वाला है और एक वो देश जो फ्यूचर में होस्ट करेगा। तो आपको पता ही, अभी इटली में हुआ था, अब इंडोनेशिया में होने वाला है और 2023 में होगा कहां? इंडिया में। सो हेयर करेक्ट आंसर इज 2023 फॉर होस्ट नेशन इन 2023 फॉर G20।
ठीक है, तो G20 ट्रोइका तीन कंट्रियां अभी इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया। 2022 इंडोनेशिया। विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाई मरियम वेब्स्टर। मरियम वेब्स्टर के द्वारा 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, फटाफट आंसर करिए मुझे इसका। और 2021 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है डेट इज वैक्सीन। मैंने आपको बताया था ऑक्सफोर्ड का जो था डेट इज वैक्स, इसका मतलब भी वैक्सीन ही होता है, और मैरियम वेब्स्टर का है डायरेक्ट वैक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, वैक्सीन। डॉक्टर एस जयशंकर हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट ए 20th समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड इन कॉलियंस डिक्शनरी NFT। एब्सोल्युटली ठीक है, तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा SCO काउंसिल अभी अटेंड किया गया 20th समिट। आपको मुझे ये बताना है कि ये किस देश में हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 20th समिट थी डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अटेंड किया गया, एंड द होस्ट कंट्री इज ऑप्शन नंबर ई, नूर सुल्तान कजाकिस्तान। तो कहाँ हुआ था, नूर सुल्तान कजाकिस्तान में, ये आपको याद रखना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आजकल के एग्जाम पैटर्न में। ठीक है, यस। विथ विच ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज उड़ीसा हैज साइंड अ लेटर ऑफ एग्रीमेंट फॉर वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स उड़ीसा के द्वारा इनमें से किसके साथ वाटर मैनेजमेंट के लिए एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, UNDP, UNEP, WHO, UNICEF और UNESCO। एंड एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इज यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। WHO हैज डेजिग्नेटेड द कोरोना वायरस वेरिएंट नेम डैश एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो आपको याद होगा अभी एक नया वेरिएंट आ गया है, उसको क्या नाम दिया गया है और वो किस कैटेगरी में रखा गया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में। एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल। ठीक है, चलो, तो आपको पता है नया वेरिएंट कौन सा आया है, ओमिक्रॉन। इंडिया में इसके केसेस पाए गए हैं और यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही, इसका जो फैलने की स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा है, डेल्टा से और डेल्टा प्लस से ये बहुत ज़्यादा है। आ जाते हैं बैंकिंग की तरफ। विच कंपनी अलॉन्ग विद BPCL एंड HPCL हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ मॉडल रिटेल आउटलेट स्कीम एंड अ डिजिटल कस्टमर फीडबैक प्रोग्राम कॉल्ड दर्पण एट द रेट पेट्रोल पंप। तो अभी हाल ही में BPCL और HPCL के साथ मिलकर कौन सी कंपनी है जो मॉडल रिटेल आउटलेट स्कीम और डिजिटल कस्टमर फीडबैक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है दर्पण एट द रेट पेट्रोल पंप। ठीक है, और ये कंपनी कौन सी है, एक और इंडियन कंपनी, डेट इज IOCL या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी IOCL, BPCL और HPCL, इन तीन के द्वारा ये किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जितेंद्र सिंह हैज वर्चुअली चेयर्ड दी 9th ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स मीटिंग, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स। काफ़ी आसान सवाल है। तो अभी 9th ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की मीटिंग को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे देश के साइंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा चेयर्ड किया गया। ब्रिक्स कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, तो आप सबको पता होगा ब्रिक्स कहाँ लोकेटेड है, एब्सोल्युटली इट इज इन शंघाई चाइना। ठीक है, तो शंघाई चाइना इज करेक्ट आंसर फॉर द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स। ADB has approved a loan of how much worth for water supply and sanitation project in Uttarakhand. तो उत्तराखंड में water supply और sanitation के लिए अभी हाल ही में कितना पैसा Asian Development Bank के द्वारा approve किया गया है। जो loan वाले questions हैं ये आपके लिए बहुत important हैं और exam में definitely एक से दो सवाल देखने के लिए मिलता ही है। And here correct answer is $125 million। ठीक है, उसके बाद वापस एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी कंट्री के स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कितना लोन अप्रूव किया है।
तो कोविड के कारण आपको पता है कंट्री में पिछले काफ़ी टाइम से स्कूल्स बंद थे, और अभी ओमिक्रॉन के आने के बाद मुझे लगता है वापस से बंद होने वाले हैं। तो कंट्री का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत हैम्पर हुआ है, और उसी को सही करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 500 मिलियन USD का लोन दिया गया है। 500 मिलियन USD का लोन दिया गया है इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, नवंबर मंथ का GST कलेक्शन कितना है? ठीक है, नवंबर मंथ का GST कलेक्शन कितना है? अभी तक का हाईएस्ट अप्रैल मंथ का है, और नवंबर का GST कलेक्शन इस कितना है? नवंबर वाले से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है 1.13 लाख करोड़। अप्रैल का हाईएस्ट 1.41 लाख करोड़ था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक, ओके, RBI हैज सुपर सीडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। RBI हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। तो RBI के द्वारा भी क्या किया गया है, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको हटा दिया गया है, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या है यही आपको मुझे बताना है। तो इसके रिगार्डिंग एक तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है, और एक कमिटी बनाई गई है जो एडमिनिस्ट्रेटर को असिस्ट करेंगे। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, सो द करेक्ट आंसर इज नागेश्वर राव वाई। ठीक है, वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट हैव साइंड एन MOU विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर MSME। अभी हाल ही में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है देश में MSMEs को सपोर्ट करने के लिए, एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए। और रिसेंट का जो एग्रीमेंट है वो किस राज्य के लिए किया गया है? इससे पहले तमिलनाडु के लिए ये ऑलरेडी इस टाइप का एग्रीमेंट कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता होगा फ्लिपकार्ट की जो पेरेंट कंपनी है डेट इज़ वॉलमार्ट, वॉलमार्ट के पास इनका मेजर स्टेक है। और अभी रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश के लिए, तमिलनाडु के लिए ये काफ़ी पहले हो चुका है। ठीक है, सो लेटेस्ट इज फॉर मध्य प्रदेश। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले याद रखने हैं, बट आपको मुझे बताना है अभी लेटेस्ट इंडिया रा यानी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा फिनेंशियल ईयर 22 में इंडिया की GDP क्या फोरकास्ट की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी जो लेटेस्ट जितने प्रेडिक्शंस हुए हैं ना मोस्टली 9 के रेंज में है, और यहाँ भी 9.4 ही किया गया है। ओके, Which bank has signed an MOU with Usha International Limited for empowering women entrepreneur by providing financial assistance name Navchetna? तो Navchetna नाम का financial assistance अभी के लिए Usha International Limited के साथ इनमें से किस बैंक ने एग्रीमेंट किया है? RBL, ICICI, HDFC, प्रगति मुझे भी नहीं पता, वो शायद सो रही है, उसने नोटिफिकेशन देखी नहीं। लेट्स सी। ठीक है, चलो, यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट हुआ है किस चीज को लेकर? नवचेतना। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गाइस। ओके, विच बैंक विल बिकम द प्रमोटर ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लिमिटेड बाई एक्वायरिंग 9.5% स्टेक? तो अभी ONDC में इनमें से किस बैंक ने 9.5% स्टेक परचेज किया है और वो बन गया है इसका प्रमोटर? ठीक है, तो ONDC में किसने खरीदा है मेजर स्टेक ये आपको मुझे बताना है। तो चलिए फटाफट सब मुझे इसका आंसर कर दीजिए। तो क्या है करेक्ट आंसर? हियर करेक्ट आंसर इज गाइस PNB, पंजाब नेशनल बैंक। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन स्कीम गो ग्रीन? तो गो ग्रीन नाम का इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन स्कीम इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? जना, सूर्योदय, उत्कर्ष, इक्विटस और ISEF। तो आपको मुझे बताना है इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन स्कीम गो ग्रीन को अभी ISEF
स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक. काफी इंपॉर्टेंट सवाल है. तो इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड जो कि रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना है, इसको अभी किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आरबीएल, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी और डीबीएस. तो क्योंकि ये क्या है, ये क्रेडिट कार्ड रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना है और इसको लॉन्च किया गया है एचएसबीसी बैंक के द्वारा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अच्छा, इंडिया का पहला जो एटीएम लगाया था वो किस बैंक ने लगाया था? RBI has granted its approval to the LIC to increase its holding in which bank up to 9.99%. ठीक है, तो आपको मुझे बताना है, अभी हाल ही में LIC को अप्रूवल दिया गया है कि वो अपना स्टेक 9.99% कर सकता है, इनमें से किस बैंक में? यस, इंडिया का पहला ATM HSBC के द्वारा ही लगाया गया था. एंड हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, डेट इज कोटक महिंद्रा बैंक. तो कोटक महिंद्रा बैंक में अब LIC का स्टेक होगा 9.99%. मेजर स्टॉक कोटक फैमिली यानी उदय कोटक और उनकी फैमिली 26%. हाउ मच मॉनिटरी पेनल्टी हैज बीन इम्पोज बाई RBI ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर वॉयलेटिंग सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू सेल ऑफ स्ट्रेस एसेट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड. ठीक है, तो अभी हाल ही में RBI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगाई पेनल्टी क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस एसेट और फ्रॉड वगैरह की रिपोर्टिंग में की थी गड़बड़ी. कितने की फाइन लगाई? कितने की? ले भाई, 1 करोड़ की फाइन. यानी 1 करोड़ की फाइन अभी रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया. द इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑफ RBI हैज प्रपोज टू रेज द कैप ऑन प्रमोटर्स स्टेक इन प्राइवेट बैंक फ्रॉम करेंट 15% टू डैश. हुआ क्या है, देखिए, जो स्टेक्स है ना वो एक लिमिट बनाई गई कि स्टार्टिंग में 40 ईयर्स होगी, फिर 25 होगी, 15 होगी, ऐसे. तो अभी क्या था, 15 ईयर्स में प्रमोटर्स का जो स्टेक होता था कंपनी में वो होता था 15%. इसको अभी चेंज कर दिया गया रिसेंटली RBI के द्वारा. कितना किया गया है? 26%. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कोटक फैमिली का स्टेक बताया था. Which country has announced new development commitment of around euro 1.2 billion aid to India in support of India's fight against climate change? तो भारत की जो fight है climate change के against, उसको लेकर अभी euro 1.2 billion aid इनमें से किसने, basically किसके साथ हुआ है announcement कि वो provide करेगा? ठीक है, चलिए फिर आंसर करिए. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, एंड द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली जर्मनी. RBI हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ ऑन विच बैंक फॉर होल्डिंग शेयर इन द बोरोवर कंपनी ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दोज कंपनीज. हुआ क्या है, देखिए, RBI के अकॉर्डिंग कि जो भी क्या है बोरोइंग कंपनी है उनके पेड अप कैपिटल से 30% से ज्यादा जो आपका कैपिटल है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं होने चाहिए, आपके शेयर्स वगैरह नहीं होने चाहिए. बट अभी हुए हैं किस बैंक के द्वारा, जिसके कारण उन पर लगा है 1 करोड़ का फाइन और ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो SBI पर 1 करोड़ का फाइन लगाया गया है. विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विथ Amazon पे एंड Amazon वेब सर्विसेस टू ऑफर कस्टमर एंड इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम थ्रू UPI ट्रांजेक्शन फैसिलिटी. तो अभी हाल ही में इनमें से किस बैंक ने Amazon वेब सर्विसेस और Amazon पे के साथ एग्रीमेंट किया है जहां UPI का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम पे काम किया जाएगा? ठीक है, और ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है यस बैंक. कौन सा बैंक है? यस बैंक ने अभी ये एग्रीमेंट. Which general insurance company has partnered with Tropogo for distribution of drone insurance product? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है. अभी Tropogo के साथ इनमें से किस बीमा कंपनी ने एग्रीमेंट किया है जहां वो ड्रोन का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे? किसका? ड्रोन का. तो अभी लेटेस्ट किसने Tropogo के साथ इसको लेकर एग्रीमेंट किया है? SBI
ओरिएंटल, रेलिगियर, बजाज और भारतीय एक्सा। ठीक है, एंड हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यस, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ सावधान रहें सेफ रहें अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉड। अभी हाल ही में किस कंपनी के द्वारा दूसरा फेज लॉन्च किया गया है सावधान रहें सेफ रहें का? बजाज, LIC, RBI, NPCI और SEBI। तो सावधान रहें सेफ रहें ये किसने लॉन्च किया था पब्लिक? इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? बजाज फिनसर्व के द्वारा, और बजाज फिनसर्व ने अभी लेटेस्ट इसका सेकंड फेज लॉन्च किया है। ठीक है, ओके। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद यूरोप बेस्ड पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन सर्विस फर्म वर्ल्ड लाइन टू इनेबल इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट? अभी EMI वगैरह को लेकर वर्ल्ड लाइन के साथ इनमें से किस बैंक ने एग्रीमेंट किया है? HDFC, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, ICICI और एक्सिस बैंक। गाइस फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी दोस्त सो रहे हैं उनको उठा दीजिए भाई कि क्लास चल रही है, कैसे हैं, कहाँ सो रहे हैं सब। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है वर्ल्ड लाइन के साथ अभी किस बैंक ने एग्रीमेंट किया है, और ये बैंक है कौन सा? ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। OECD हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट एट डैश फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। फाइनेंशियल ईयर 22 के द्वारा OECD ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या फोरकास्ट की है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी लेटेस्ट जितने भी फोरकास्ट हुए हैं सब 9 के रेंज में है। सो द करेक्ट आंसर इज 9.4। विच बैंक हैज रिसेंटली लिस्टेड इट्स $650 million ग्रीन बॉन्ड साइमल्टेनियसली ऑन द इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज? अभी हाल ही में किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में एक साथ अपने 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड का सूचीबद्ध किया है? तो देखिए ये होगा कोई बहुत बड़ा बैंक। ठीक है, एंड द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इज द करेक्ट आंसर। सब पिटेंगे, यहां हमारा बैंकिंग का टॉपिक खत्म होता है, आते हैं अवार्ड्स की तरफ। ठीक है, रिंग वंडरिंग हैज वॉन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। द मूवी रिंग वंडरिंग इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? यानी कि रिंग वंडरिंग ने अभी भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। आपको मुझे ये बताना है ये मूवी किस देश की है? डेनमार्क, अर्जेंटीना, जापान, चाइना और USA। एंड द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली जापान। तो यहां मैं आपको ये लिस्ट दे रही हूं, एक बार इस लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। एक और सवाल है, मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग। ठीक है, तो किस राज्य को इसी अवार्ड में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य चुना गया है? UP, राजस्थान, गोवा, असम और आंध्र प्रदेश। तो मोस्ट friendly state for film shooting at 52nd International Film Festival of India in Goa is Uttar Pradesh. So the correct answer is option number A. यहाँ मैं आपको थोड़ी लिस्ट और दे रही हूँ, इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, Who has won the Best Actor Male Award at the 6th BRICS Film Festival Award 2021? छठवें BRICS Film महोत्सव पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार इनमें से किसको मिला है? पंकज त्रिपाठी, सूर्य शिवकुमार, मनोज बाजपेयी, धानुष और राजकुमार राव। तो अभी 6th BRICS फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड गया है धानुष को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिज्म 2021? इनमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए? कोई नहीं आ रही, इन सबकी पिटाई होगी। ठीक है, सो याद रखिएगा अभी यह अवार्ड गया है द वीक और NDTV को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है,
Which state has won the gold medal award at 40th edition of India International Trade Fair and also the partner state for the 40th IITF? ठीक है, focus state था guys उत्तर प्रदेश. तो अभी हाल ही में गोल्ड मेडल अवार्ड एट 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर किसको गया है? ये स्टेट पार्टनर स्टेट भी था और ये स्टेट है क्या? ये स्टेट है हमारा बिहार. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार. यस. हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द सेवेंथ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017-19? 2017 से 19 के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया है? गौशाल्य शंकर, अमृत सेन, पुनीत राजकुमार, सी विजय कुमार और वी प्रवीण राम. तो अभी हाल ही में सेवेंथ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसको गया है? ये अवार्ड गया है वी प्रवीण राव को. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. पुनीत आपको पता होगा वो फेमस तेलुगु इंडस्ट्री के तेलुगु कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर थे जिनका भी थोड़े टाइम पहले निधन हुआ है. विच स्टेट पुलिस हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड पाने वाला आठवां राज्य कौन सा बना है? गुजरात, यूपी, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश. तो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड पाने वाला आठवां राज्य बना है कौन सा? ये बना है हिमाचल. So the correct answer is option number C. Who has won the Woman of the Year Award at World Athletics Award 2021? तो अभी विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2021 दिया गया, उसमें Women of the Year का अवार्ड इनमें से किसने जीता है? मानसी जोशी, कुनेरू हम्पी, पीवी सिंधु, अंजू बाबू जॉर्ज और मनु भाकर. तो अभी हाल ही में Women of the Year का अवार्ड गया है अंजू बाबू जॉर्ज को. ठीक है, लॉन्ग जंपर इंडिया की, वन ऑफ द फेमस एथलीट इंडिया की. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंजू बाबी जॉर्ज. विच एयरपोर्ट हैज बीन एडजस्ट एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया इन 2021 बाय स्काईट्रैक्स? स्काईट्रैक्स के द्वारा भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इनमें से किसको घोषित किया गया है? आईजीआई, छत्रपति शिवाजी, राजीव गांधी, कैंपव गोड़ा और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, तो स्काई ट्रैक्स के द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया ये किसको गया है? ये गया है आईजीआई को, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली. ठीक, अब आ जाते हैं अगली कैटेगरी, अपॉइंटमेंट. काफी सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं. तो देखिए, हु विल हेड द हाई लेवल सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमिटी formed by union government for 2 years to monitor and expedite the pace of the project. Yani central vista oversight committee jo banayi gayi hai uske head kon banaye gaye hain? pehla sawal. good evening. theek hai, central vista oversight committee ke aapko head mujhe batane hain and here correct answer is option number e, that is ratan p watal. kon hai? ratan p watal. ओके, शेख सब अल खालिद अल सबा हैव बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? शेख सबा अल खालिद अल सबा को इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? कतर, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और बहरीन. ठीक है, तो शेख सबा अल खालिद अल सबा रीअपॉइंट हुए हैं एज अ कुवैत प्राइम मिनिस्टर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यस. Who has been appointed as the new CEO of Twitter? बहुत न्यूज में रहे हैं, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी 37 साल के हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं और इनका नाम क्या है आपको मुझे बताना है. एंड हेयर करेक्ट आंसर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर एंड द आंसर इज पराग अग्रवाल. सो पराग अग्रवाल इज द न्यू CEO of Twitter. पीटर फियला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? पेट्रा फियला को निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? चेक रिपब्लिक, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया. ठीक है, तो पेट्र फियला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? गाइस फटाफट बताइए मुझे. एंड द राइट आंसर इज
चेक रिपब्लिक. सो चेक रिपब्लिक्स न्यू प्राइम मिनिस्टर नेम इज पेट्र फियला. हु इज द मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमिटी अपॉइंटेड बाय आरबीआई टू असिस्ट रिलायंस कैपिटल लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर नागेश्वर राव. तो नागेश्वर राव को लेकर सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था. आपको मुझे ये बताना है इनको असिस्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के इनमें से कौन मेंबर हैं. संजय नोटियाल, प्रवीण पी कडले, श्रीनिवासन वदराजन, ऑल ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी. ठीक है, तो इस कमिटी में ये तीनों ही मेंबर हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो मैंने आपको बताया था आरसीएल का जो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो आरबीआई के द्वारा हटा दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं नागेश्वर राव. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द डेलीगेट फॉर एशिया इन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटरपोल. इंटरपोल के एग्जीक्यूटिव कमेटी में एशिया वाला जो पार्ट है वहां कौन अपॉइंट किए गए हैं. प्रवीण सिन्हा, जयंत कुमार दास, कमरान रिजवी, आर शर्मा और अरुण गोयल. ठीक है, तो इंटरपोल डेलीगेट ऑफ एशिया में जो अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है प्रवीण सिन्हा. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूवी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप. तो आईआईटी मद्रास का जो स्टार्टअप है गूवी उसकी ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन अपॉइंट हुए हैं. जुबीन गर्ग, अमिताभ बच्चन, स्मृति मंदना, मोहम्मद सिराज और राहुल द्रविड़. ठीक है, तो फटाफट आंसर कर दीजिए मुझे क्या है यहाँ करेक्ट आंसर. एंड द राइट आंसर इज स्मृति मंदना विच इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज एज द 34th कमांडेंट ऑफ एनडीसी. नेशनल डिफेंस कॉलेज के 34th कमांडेंट के रूप में इनमें से किसको चार्ज दिया गया है. पी के पुरवर, वी आर चौधरी, आर हरिकुमार, मनोज कुमार मागो और राजीव चौधरी. ठीक है, तो एनडीसी के 34th कमांडेंट के रूप में जिसको चार्ज दिया गया है उनका नाम है मनोज कुमार मागो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्यूटली करेक्ट. ठीक है, ओके. मैकडेलना एंडरसन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैकडेलना एंडरसन को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है. स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क. ठीक है, तो मैकडेलना एंडरसन इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर. Who has been appointed as an independent non-executive director on the board of Hero MotoCorp? Hero MotoCorp के board में independent non-executive director के तौर पर अभी किसको appoint किया गया है. दिनेश कुमार खरा, विनोद अग्रवाल, ए एस राजीव, रजनीश कुमार और हितेंद्र दवे. SBI से इनका लेना देना है और यहाँ करेक्ट आंसर क्या है गाइस. यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज रजनीश कुमार, फॉर्मर SBI चेयरमैन. ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ हीरो मोटोकॉर्प. विच कंट्रीज अहमद नसर अल रैसी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल फॉर 4 ईयर टर्म. तो अभी हमने मेंबर पढ़ा था और यहां हम पढ़ रहे हैं कि इंटरपोल के चेयर के जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं नेक्स्ट 4 ईयर के लिए अहमद नसर अल रैसी को बनाया गया है. ये किस कंट्री से आते हैं. इराक, कतर, UAE, लेबनान और सऊदी अरेबिया. ठीक है, तो भैया इंटरपोल के जो अभी प्रेसिडेंट हैं अहमद साहब, ये इनकी कंट्री कौन सी है. इनकी कंट्री है UAE, संयुक्त अरब अमीरात. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माउंटेनियरिंग फाउंडेशन. ठीक है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन बनाई गई हैं. नजला बोडेन, धृति बनर्जी, वर्तिका शुक्ला, पूनम गुप्ता और हर्षवंती बिस्ट. सो हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एंड हर नेम इज हर्षवती बिस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CBIC. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के नए चेयरमैन का नाम आपको मुझे बताना है.
एम अजीत कुमार, जे बी मोहपात्रा, पी सी मोदी, टी वी नरेंद्रन और विवेक जौहरी। सो हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBIC एंड द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इज विवेक जौहरी। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई नीति आयोग इन 2022 फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान फॉर ODR हु हैज बीन रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए एक कमिटी बनाई गई बाय नीति आयोग। आपको मुझे ये बताना है इस कमिटी के हेड कौन थे। बैजेंद्र पांडा, वीजी कननन, विजय सिंह डागा, अर्जुन कुमार सिकरी और दीपक बी फाटक। ठीक है, तो ODR ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कमिटी 2020 में बनाई गई थी नीति आयोग के द्वारा और इस कमिटी के हेड थे अर्जुन कुमार सिकरी। Who is the head of three member committee to review the criteria for reservation for the economically weaker section category formed by Ministry of Social Justice and Empowerment? यानी Social Justice and Empowerment Ministry के द्वारा तीन member की एक committee बनाई गई EWS के regarding चीजों को देखने के लिए। इस committee के head कौन बनाए गए? HR नागेंद, अजय भूषण पांडे, जयंत कुमार दास, अभय करंदकर और CK मिश्रा। एंड यहाँ किसको अपॉइंट किया गया है गाइस? यहाँ अपॉइंट किया गया है अजय भूषण पांडे को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अजय भूषण पांडे इज द हेड ऑफ कमिटी रिलेटेड टू EWS। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन साइंड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर 50th ईयर सेलिब्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है? राहुल मित्रा, संजय दत्त, लवलीना बोरगेन, राहुल द्रविड़ और बोथ ANB। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 50th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन के लिए एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं संजय दत्त। हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री। ठीक है, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को सद्भावना राजदूत के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? डैनियल ब्रुहेल, हैबरी हैनकॉक, नियोमी कोवासे, डेविड बैकम और एम नेत्रा। ठीक है, जापान से आती हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं और इनका नाम है नियोमी कोवासे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नियोमी कोवासे फॉर यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री। Who has been appointed as the new first deputy MD of IMF? Very important question, guys. IMF की पहली deputy MD इनमें से किसको appoint किया गया है? अंशुला कंद, KV कामत, जोफरे ओकामोतो, गीता गोपीनाथ और क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है फर्स्ट डेप्यूटी MD ऑफ IMF जो इनकी चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं और इनका नाम है गीता गोपीनाथ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन मेंस बैलेंडोर अवार्ड फॉर 7th टाइम। सातवीं बार मेंस बैलेंडोर इनमें से किसको मिला है? रोनाल्डो, स्टर्लिंग, मेसी, नेमार और लेवेंडोस्की। ठीक है, तो मेंस बैलेंडोर अवार्ड फॉर 7th टाइम ये गया है लियोनल मेसी को। ओके, यस, तो यहाँ आपके सामने सारी डिटेल मैंने दे दी है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। लियोनेल मेसी को बार्सिलोना के लिए ये अवार्ड मिला था और ये अर्जेंटीना इनकी नेशनल कंट्री है। नेम द इंडियन स्क्वैश स्टार हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्क्वैश प्लेयर टू विन द मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। ठीक है, उस भारतीय स्क्वैश स्टार का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है और ऐसा करने वाले वो पहले स्क्वैश खिलाड़ी भी बने हैं और उनका नाम क्या है? एब्सोल्युटली उनका नाम है सौरभ घोषाल। सो सौरभ घोषाल इज द फर्स्ट स्क्वैश प्लेयर टू विन मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। आप जाते हैं डिफेंस एंड साइंस की तरफ। राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन विच IIT। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा 5वीं विश्व कांग्रेस ऑन आपदा प्रबंधन इसका इनॉग्रेशन किस IIT में किया गया है? ठीक है, तो 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें आप लोग काफी दिनों से कंफ्यूज चल रहे हैं, यहां करेक्ट आंसर है IIT दिल्ली, गुवाहाटी नहीं है। ठीक है, नेम इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुली
क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विच हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाई स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि अभी हाल ही में एक फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का टेस्ट किया गया है जो पूरी तरीके से इंडिया की पहली प्राइवेटली डेवलप्ड है, और इसका नाम क्या रखा गया है ये आपको मुझे बताना है। और इसका नाम क्या है गाइस? इसका नाम है धवन फर्स्ट। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव टू कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिराज 2000 फ्रॉम विच कंट्री एट ग्वालियर एयरबेस। तो ग्वालियर एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स को दो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिराज 2000 मिली है, किस देश से? ठीक है, तो आपको पता होगी मिराज किस कंट्री की है, मिराज है फ्रांस की। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, डेसॉल्ट की है। विद विच कंट्री यूएस हैज कंडक्टेड द 27th एनुअल कॉपरेशन एफ्लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग? कराट मैरीटाइम एक्सरसाइज का अभी 27th वर्जन हुआ यूएस और किस कंट्री के बीच में? ऋषभ डेफिनेटली मैं बनाऊंगी, उनको थोड़ा पधारने तो दीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, एंड द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। यस, बुक्स एंड ऑथर पर आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज अ बुक टाइटल्ड बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स बिजॉय विथ सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। ठीक है, तो एक किताब आई है बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स पर। आपको मुझे ये बताना है कि इसके राइट इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, और इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया है? मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इस बुक को रिलीज किया है वेंकैया नायडू ने, इस बुक के ऑथर कौन है? ए सूर्य प्रकाश, अभिजीत बनर्जी, बी एन गोस्वामी, मरूफ रजा और अयाज मेनन। ठीक है, तो डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस जिस बुक को वेंकैया नायडू के द्वारा रिलीज किया गया है, इस बुक के राइटर का नाम है ए सूर्य प्रकाश। इंडिया इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। ठीक है, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 के आपको मुझे राइटर बताने हैं, और इसके राइटर हैं कौन? अयाज मेनन। नेक्स्ट है द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंपनी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ओके चलो, द अंबुजा स्टोरी के बारे में आपको मुझे बताना है। द अंबुजा स्टोरी के जो फाउंडर हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसके फाउंडर का नाम क्या है? इसके फाउंडर का नाम है नरोत्तम शेख सरिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। हु हैज वॉन द 4th कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 फॉर हिज बुक नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म नेशनलिज्म। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है 4th कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन प्राइज अपनी बुक नरोजी के लिए किसको दिया गया है? और ये अवार्ड गया है दिनयार पटेल को। किसको गया है? दिनयार पटेल को। ओके, आ जाते हैं इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स आपका नवंबर और दिसंबर दोनों को मिलाकर है। चलिए, विच स्टेट हैज इमर्ज एज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। कोई बात नहीं प्रशांत, एक दो बार रिवाइज करिए, याद हो जाएगा, आसान होता है बुक्स एंड ऑथर तो। ठीक है, चलो, आपको यहां मुझे ये बताना है कि पुअरेस्ट स्टेट कौन सा इंडिया का बना है, और आपको पता है यहां करेक्ट आंसर है बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश इसी सीक्वेंस में है। सो द करेक्ट आंसर इज बिहार। According to Cantor's Brand Z India 2021 report, which brand has emerged as the most purposeful brand in India across technology category? Top Kerala, yes. तो technology category के according आपको मुझे ये बताना है India का सबसे purposeful brand कौन सा बना है, और ये brand बना है कौन सा? Amazon. इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट्स वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, विच सिटी हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन 2021। दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी कौन सी बन गई है अकॉर्डिंग टू EIU's रिपोर्ट? ठीक है, एंड हियर करेक्ट आंसर इज तेल अवीव, एब्सोल्यूटली इजराइल। ओके,
विच कंपनी हैज बीन रैंक्ड नंबर वन कॉपरेटिव अमंग द टॉप 300 कॉपरेटिव इन द वर्ल्ड इन 2021 एडिशन ऑफ 10th एनुअल वर्ल्ड कॉपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट। तो आपको मुझे ये बताना है दुनिया की नंबर वन कॉपरेटिव कौन सी है। 300 कॉपरेटिव्स की एक लिस्ट निकली है अभी 10th एनुअल वर्ल्ड कॉपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट में, ठीक है। एंड ये कौन सी है, ये है इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड। फटाफट आ जाते हैं ऑब्चरी की तरफ। स्टीफन सोडहाइम पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ डैश। स्टीफन सोडहाइम जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, वो क्या थे, एनवायरमेंटलिस्ट, फैशन डिजाइनर, एक्टर, लिरिसिस्ट और क्लासिकल सिंगर, ठीक है। तो स्टीफन सोडहाइम जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वो क्या थे, वो थे लिरिसिस्ट। शिव शंकर मास्टर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश। शिव शंकर मास्टर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है वो क्या थे, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, पॉलिटिशियन, पोएट और म्यूजिशियन, और ये बहुत फेमस कोरियोग्राफर थे। पद्मश्री अवॉर्डी श्री वेनेला सीतारमन शास्त्री पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज पॉलिटिशियन, लिरिसिस्ट, राइटर, जर्नलिस्ट और क्रिकेटर। तो श्री वेनेला सीतारम शास्त्री जो एक पद्मश्री अवॉर्डी थे, ये बहुत फेमस लिरिसिस्ट थे। अब यहां आते हैं किसका, फटाफट रिवाइज करेंगे, यहां मैं आपको थोड़ा सा तेजी से बताऊंगी तो आप एक बार इसको रिवाइज करते हुए चलिएगा। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 27th नवंबर को। उसके बाद एनसीसी का अभी 73rd एनिवर्सरी थी या रेजिंग डे थी, और एनसीसी की एनिवर्सरी कब होती है, 28th नवंबर को। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन, यूनाइटेड नेशन डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वेलफेयर 30th नवंबर को। इसके बाद वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 1st दिसंबर। थीम क्या थी इस बार की, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड एंड पेंडेमिक्स। इसके बाद नागालैंड स्टेटहुड डे सेम 1st दिसंबर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी 57th रेजिंग डे ऑब्जर्व की कब, सेम 1st दिसंबर। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व करते हैं 2nd दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ये ऑब्जर्व करते हैं 3rd दिसंबर। और इंटरनेशनल डे फॉर एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, ये ऑब्जर्व करते हैं 2nd दिसंबर। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ऑब्जर्व किया जाता है कब, 2nd दिसंबर को। और ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो ये हमारा इस वीक का करंट अफेयर्स रिवीजन था। जिसने भी सेशन को लेट ज्वाइन किया है वो एक बार पूरे सेशन को देखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, हर किसी के साथ शेयर करिए, उनसे बोलिए वीडियो को देखें, लाइक करें। मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास भी ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। तो कल मिलेंगे अपने 8 बजे की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।